नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे ये तोशिबा की कैनव्यू एडवांस हार्ड ड्राइव। तो दोस्तों, ये एक यूएसबी हार्ड ड्राइव है और ये 1 TB की हार्ड ड्राइव है, बट ये आपको 2 TB में भी मिल जाएगी। और दोस्तों, ये हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ करी है 3500 में, 3500 में। और दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको मिल जाती है इस हार्ड ड्राइव की। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक वारंटी कार्ड एंड एक यूज़र मैनुअल, और ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है, ये देखिए। एंड यहाँ पर दोस्तों, ये जो हार्ड ड्राइव है हमारे पास, ये ग्रीन कलर में है, बट ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस में मिल जाएगी। ये देखिए, ऐसी कुछ हार्ड ड्राइव है। एंड यहाँ पे आपको इसकी एक केबल भी मिल जाती है। ये दोस्तों 3.0 हार्ड ड्राइव है, हाई स्पीड। तो यहाँ पे ऐसी कुछ आपको केबल मिल जाती है। केबल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। एंड यहाँ पे दोस्तों, ये हमारी हार्ड ड्राइव, तो देखिए ऐसी कुछ दिखेगी ये। देखिए, इसमें कुछ टेक्चर जैसा फिनिशिंग दे रखा है, यहाँ पे ऊपर तोशिबा लिखा है। एंड यहाँ पे देखिए, आपने केबल लगानी है, यहाँ पे पोर्ट दे रखा है। और बैक साइड से देखिए कुछ ऐसी दिखेगी ये हार्ड ड्राइव। तो चारों साइड से देख सकते हैं आप, ऐसी कुछ हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग भी इस हार्ड ड्राइव की काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसमें केबल लगा देते हैं और केबल लगा के हम डाटा वगैरह कॉपी करके देखते हैं कि कैसी स्पीड मिलती है। तो ये केबल आपने यहाँ पर लगा देनी है, और अभी मैं इसे अपने लैपटॉप में प्लग इन करके इसमें थोड़ा डाटा कॉपी करके देखता हूँ। तो दोस्तों, हार्ड ड्राइव मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दी है, और देखिए हमारे लैपटॉप में हार्ड ड्राइव शो कर रही है। इसके ड्राइवर्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुके हैं। ये देखिए, हार्ड ड्राइव आ चुकी है हमारे लैपटॉप में। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपको बता दूँ, ये 1 TB की हार्ड ड्राइव है, जिसमें आपको 931 GB अवेलेबल मिलता है। तो 1 TB हार्ड ड्राइव अगर आप लेते हो तो 931 GB आपको इस हार्ड ड्राइव में अवेलेबल मिलता है। मैं आपको एक बार फॉर्मेट भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे अगर फॉर्मेट करता हूँ तो देखिए, यहाँ पे पहले तो दिखा देता हूँ, देखिए 931 GB अवेलेबल है। एंड अगर हम इसे दोबारा से फॉर्मेट करते हैं, देखिए फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, अभी भी यहाँ पे आ रहा है 931 GB अवेलेबल। तो इसमें आपको इतना ही स्पेस मिलता है। तो चलिए कुछ डाटा कॉपी करके देखते हैं कि कैसे स्पीड हमें मिलती है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मूवीज़ पड़ी हैं, तो ये सारी मूवीज़ इसमें कॉपी कर देते हैं, देखते हैं कि कितनी स्पीड आपको मिल जाती है इस हार्ड ड्राइव में। और वैसे ही दोस्तों, 3.0 हार्ड ड्राइव है, हाई स्पीड, बट मैं इसको अभी 2.0 पोर्ट में ही चेक कर रहा हूँ। बट अगर आप इसे 3.0 पोर्ट में यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अभी जो मेरे को स्पीड मिल रही है, इससे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 2.0 पोर्ट में आपको जो स्पीड मिल जाती है वो अप्रॉक्सीमेट मिल जाती है 25 Mbps/s। एंड यहाँ पे आपको LED भी मिल जाती है, ग्रीन कलर की LED आपने देखी थी अभी, तो ऐसा कुछ आपको LED इंडिकेशन मिल जाता है इस हार्ड ड्राइव में। और यहाँ पे जो स्पीड है, देखिए अगर कम भी हुई थी तो 22 Mbps तक की कम हुई थी, तो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये मूवीज़ जो मैंने अभी कॉपी करी थी वो मैंने प्ले करी है, और बहुत अच्छे से प्ले हो रही है, बिल्कुल भी लैग नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी डिले नहीं है, और बहुत अच्छे से ये मूवीज़ प्ले हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो इस हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप कोई हार्ड ड्राइव परचेस करना चाहते हो, USB हार्ड ड्राइव, तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस हार्ड ड्राइव को परचेस कर सकते हो। अगर आपने लैपटॉप में यूज़ करनी है, डेस्कटॉप में यूज़ करनी है, या प्ले स्टेशन में आप PS3 PS4 PS5 में लगाना चाहते हो, Xbox में लगाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप हर एक किसी यूसेज में आप इस हार्ड ड्राइव का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। डाटा जो स्पीड है, जो डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड है डाटा कॉपी करने की, एंड डाटा यहाँ पे अगर आप रीड करते हो या राइट करते हो, तो दोनों ही स्पीड आपको इस हार्ड ड्राइव में बहुत अच्छी मिल जाती है। एंड तोशिबा की जो हार्ड ड्राइव्स होती है दोस्तों, इनकी सर्विस सेंटर की जो सर्विस होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। रिप्लेसमेंट अगर आपको करनी पड़ जाती है तो रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से होती है, आप हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट ले सकते हो, साथ के साथ आपको रिप्लेसमेंट मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हार्ड ड्राइव की वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।